मित्रों हूँ महेंद्र पुराट सूरत से एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम जीवन दर्शन साधना केंद्र सूरत सेंटर। मैं यहाँ ये नेचुरल अमृत भोजन जो है बिना पकाया हुआ उसका टिफिन सर्विस भी चलाता हूँ। सूरत में होम डिलीवरी सबको देते हैं हम, और ये हमारा जो न्यू डाइट सिस्टम का अलग अलग डाइट का स्टेप है वो भी मैं उसको उसकी बीमारी के हिसाब से समझाता हूँ। और अभी हमने यहाँ एक ऐसा सेंटर खोला है कि जहाँ पर लोगों को आके रुकना है, बाहर के सिटी में से भी किसी को आके रुकना है तो उसको हम यहाँ पे रुकने की ये अच्छी मैंने जगह बनाई है, जहाँ पर रुक के रसाहार और उपवास एनिमा सब कर सकते हैं। और यहाँ आराम से सुबह में सन बाथ, फिर वाटर बाथ, फिर एनिमा, फिर रसाहार, फिर ऐसा सब कुछ उसको हम सिखाते हैं। तो यहाँ हमारा यहाँ ये 3 महीने से हमारी कीर्तिता मैम जांजर आई है कांदिवली से, उसका हम अनुभव सुनते हैं किस दिन उसका हुआ है। तो आपको कैसा लगा और क्या क्या फर्क पड़ा, क्या क्या प्रॉब्लम चल रही थी, और आप कितने टाइम से एनडीएस में जुड़े हुए हो तो आप बताइए। मैं कीर्ति बेन जाजल बोल रही हूँ, कांदिवली माले नगर में रहती हूँ। मेरा एनडीएस से मेरा ये अपना चौहान का है गुरु जी को तब तक प्रणाम करती हूँ। मेरे को 2017 में मैं सूरत में शिविर किया था द्राक्ष का 10 दिन का, तब से मेरा 10 दिन में डायबिटीज का भी मिट गया। और डायबिटीज तो मेरा 250-300 तक रहता था तो वो भी मेरा मिट गया। बाद में मैंने जून महीने में 2017 में मैंगो का शिविर किया था नासिक में चौहान साहेब का, तो उससे भी मेरा सब थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम जो था मेरे को आर्थराइटिस, साइटिक का, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिपडिस, फिर कौन कपासी होता है पांव में, और घुटन का नी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन भी डॉक्टर ने बोला था कि तुमको दोनों पांव में ऑपरेशन नी ट्रांसप्लांट का करना पड़ेगा। दो डॉक्टर ने ऐसा बड़े बड़े डॉक्टर ने बताया था, मगर मैंने बोला कि इसमें सबको मिट जाता है सब बीमारी तो मैं भी नहीं करवाऊंगी, इसलिए मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। फिर मैंने मैंगो का शिविर भी जून में किया, उसके बाद में 2017 में ही ये ग्रीन जूस पीती थी सुबह का 16 घंटा का, रात से जो खाना खाते उससे 16 घंटा अपवास, और फिर सुबह में अपवास करके फिर 1 बजे ग्रीन जूस पीता था। तो फिर बाद में मैं खाली छिलका वाला और बी वाला नींबू, छिलका और बी साथ में नींबू का टुकड़ा करके जूस निकाल के वो नींबू छान के फिर पीती थी मैं, तो वही खाली 10-15 दिन किया तो मेरा पांव का ऑपरेशन और वो सब मिट गया। तो मैं फिर थोड़ा टाइम के बाद में डॉक्टर को दिखाने को गई तो मैं बाथरूम तक जाने को भी बाथरूम ठंडा भी नहीं जा सकती थी घर में चलने को, तो इतना अच्छा हो बाथरूम में डॉक्टर को दिखाने को गई तो डॉक्टर भी खुश हो गया और मेरे से हाथ मिलाया। तो मैंने बोला कि मैं ये एनडीएस का प्रोग्राम करती हूँ तो उसमें मेरा ये सब ऐसा ही करती हूँ तो मेरा सब अच्छा हो जाता है, तो दवाई के बिगर ही अच्छा होता है तो क्यों ना हम फायदा उठाए, इसलिए मैं डॉक्टर को भी मिला तो डॉक्टर भी खुश होकर मेरे से हाथ मिलाया। और फिर मैं सबको भी ऐसे बोलती हूँ कि भाई ये बहुत अच्छा है, अपना आत्मा को जो भी हम किया है खाना खाया है उससे अपने आत्मा को ही दुख दिया है, आत्मा को दुख देने का नहीं। इसमें क्या होता है कि जो आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है, अपना शरीर मन स्वस्थ हो जाता है, मानसिक जो अपना होता है टेंशन वो भी सब खत्म हो जाता है। तो इसमें क्या है ना कि सब बीमारी बिना दवाई से अच्छा होता है, क्योंकि फ्रूट और रसाहार में करने के लिए मैं बोल सोचा कि मेरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और स्लिपडिस है पांव में और मसल्स पेन है मेरा, तो इसलिए मैं गुरु जी को पूछा था चौहान साहेब को कि मेरे को ऐसा कोई रहने को जगह मिले उधर, और ये मेरा रसाहार का करने का है तो वो किधर होता है कि आपको मालूम है। तो साहेब ने बताया कि मेरे
और मेरे पास उसका वीडियो भी आता था महेंद्र भाई का, तो मैंने उसको फोन करके मैंने नक्की किया और एक महीना इधर में रुकी हूँ। और इधर यही सेंटर में मेरा एक महीने में वजन भी 6-7 किलो कम हो गया और मेरा थोड़ा मानसिक जो टेंशन था घर का, तो वो भी मेरा सब अच्छा हो गया है और मेरे को अभी स्वस्थ महसूस होता है। इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। सबको मैं ऐसे प्रणाम करके बोलती हूँ कि भाई ये सब जो है जो दवाई के भी कर भी अच्छा हो जाता है तो क्या क्यों ना हम फायदा उठाए अपना जीवन के लिए। स्वस्थ जियो और स्वस्थ मरो, बस एक ही मेरी की तो प्रार्थना है, निरोगी जीव और निरोगी रहने मरू। एक भजन भी है ऐसा जो जीवन जीव चेलू नटी बाई मौत पहला मरू नटी मरता मरता जीव पड़े एवं जीवन मारे दोनू नटी। इसमें ऐसा है कि जितना जियो उतना स्वस्थ रह के जियो, आनंद से जियो और मरो तो भी आनंद से मौत मरो। भगवान बुलाएगा, सबको बुलाएगा, मगर आनंद से जीने का, शांति से जीने का और प्रेम से जीने का और निरोगी रह के जीने का ये महत्व है। थैंक यू। आपको घर पे निंद्रा नहीं आ रही थी नींद, तो यहाँ आने के बाद आपको कितने दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? मेरे को घर में दोपहर को या रात को भी नींद नहीं आती थी। ऐसे ही लगता है कि मैं किसी के साथ में बोलती रहती हूँ, बातचीत करती रहती हूँ, मानसिक रीते ये सब हो रहा था दिमाग में। तो मेरे को इधर आके ना 4-5 दिन के बाद तुरंत ही नींद आने लगी मेरे को। अभी रोज रात को बिना खा के पेट भरा हुआ ही नहीं है मेरा, रखा रहे ना महेंद्र भाई कच्चा का टिफिन देते ना पकाया हुआ खाना देते, फिर भी मेरे को खाली पेट भी नींद आ जाती है। और वैसे भी आपको यहाँ सेंटर में भी कैसा लगा? और सेंटर में भी मेरे को जैसे अपने बेटा बहू रहता है तो ऐसा मेरे को प्रेम महेंद्र भाई और उनकी बीबी मधुबेन ने मेरे को बहुत प्रेम से रखा है और बहुत प्रेम से मेरे को साथ बैठने को भी आते थे। सुबह में उसका टिफिन का काम होने के बाद फिर शाम को एक बार, फिर रात को भी एक बार, ऐसे 3-3 बार मेरे पास आते थे और सब जो टाइम टू टाइम मेरे को देते रहते थे और मेरे को सब अच्छा सा प्रेम से बातचीत। उसकी माँ है महेंद्र भाई का, वो भी मेरे से आता था मिलने को, सब बैठने को, सब बातचीत करके मजा आती थी। तो दोस्तों मेरा नंबर है 9375723408। आपको भी एनडीएस का ये लंबा कोर्स करना है अपने टाइम से, अपने धंधा या कोई भी सेटिंग करके मेरे कभी भी महीने में आप आ सकते हो। सारा त्रोन भाई का महेंद्र भाई।